डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। जनपद महाराजगंज के वार्ड संख्या 14 से समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी नीलमणि त्रिपाठी ने महरी, घोड़हवा, पिपरहवा, लुठावा, पेरारी आदि में भ्रमण कर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर लोगों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि समाज हित के लिए सदैव जनता के बीच में रहूंगा और सबका सहयोग करूंगा। कोई ऐसी समस्या जो सामने है और उसका निराकरण मेरे द्वारा हो सकता है तो मैं जरूर करूंगा, ऐसा नीलमणि त्रिपाठी ने लोगों को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज हित में मताधिकार का सही उपयोग करें, जिसमें उमा शंकर सिंह, चंद्रिका चौधरी, टेकाई चौधरी, पवन पासवान, कन्हई पासवान, पुजारी, महेंद्र शाहनी, अवधेश पासवान, हीरा गांव, गौरी सिंह, लारी खान आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम नीलमणि त्रिपाठी उर्फ डब्लू तिवारी, वार्ड नंबर 14 से समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त प्रत्याशी, माननीय पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह, फुलना सिंह, हमारे जिला अध्यक्ष मिस्टर आमिर हुसैन जी के सहयोग से मुझे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है वार्ड नंबर 14 से। अगर मैं इलेक्शन जीता तो मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा। माँ बहनों के स्वास्थ्य संबंधित कोई मामला हो, कोई और दिक्कतें हो, उसके लिए वार्ड नंबर 14 के मुख्य चौराहे पर मेडिकल कैंप हर तीसरे महीने में लगवाने का मेरा प्रोग्राम है। वार्ड नंबर 14 के मुख्य चौराहों पर शौचालय की भी व्यवस्था मैं करूंगा अगर मैं इलेक्शन में जीत गया। 24 घंटे जिला पंचायत सदस्य सहायता हेल्पलाइन का भी मैं व्यवस्था बनाऊंगा। सबके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, जेड़ छेड़ मंदिरों और मस्जिदों का जीर्णोद्धार, ठंड में वार्ड के मुख्य चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करवाऊंगा। वार्ड के सभी ग्राम सभाओं के लिए खेलकूद सामग्री की व्यवस्था करवाऊंगा। कब्रिस्तानों की चार दीवारी की व्यवस्था करवाऊंगा। वार्ड के सभी गांवों में आवश्यकता अनुसार सड़क पक्की, खड़ंजा, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, कच्ची मरम्मत और पुल पुलिया का निर्माण करवाऊंगा। ये लक्ष्य लेकर के हम जिला पंचायत सदस्य के इलेक्शन में आए हुए हैं। जनता का सहयोग रहा तो मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, मैं किसी लायक होऊंगा तो इसको मैं जरूर करूंगा। और वार्ड नंबर 14 में आप अपने लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके वार्ड नंबर 14 में मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अब तक जितने लोग वार्ड नंबर 14 से जनप्रतिनिधि चुन करके महाराजगंज के लिए गए, जिला पंचायत में गए, वो सारे लोग कभी भी वार्ड नंबर 14 के जनता की किसी भी समस्याओं को कभी भी नहीं उठाए, न तो कहीं आगे हमारे बड़े नेताओं को अवगत कराए। सारी व्यवस्थाएं जैसे पहले थी आज भी वैसे ही पड़ी हुई हैं। तो मेरा एक सोच है कि अगर मैं किसी लायक हो जाऊंगा तो मैं ये सब अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, जिससे सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आवागमन की सारी व्यवस्थाएं अच्छी रहें, ये सब करने का हमारा लक्ष्य है, हमारा सोच है और मैं इसको निश्चित तौर पे करूंगा। ये मैं लिखित दे रहा हूं, ये मैं बोल भी रहा हूं और हमारे विधायक जी का जो निर्देश होगा, हमारे जिला अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होगा, वो सब हम लोग करेंगे और आगे लोगों के भला के लिए हम लोग प्रयासरत। चुनाव का रणनीति क्या रहेगी आपकी, चुनाव लड़ने की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति में तो रणनीति यही है कि मतलब हम सफल हों और अपने लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, जो भी थाने हैं,
जिले के स्तर के काम हैं, तहसील स्तर के काम हैं, सड़क है, पल पुलिया है, इंटरलॉकिंग है, ये सब हम लोगों का लक्ष्य है करने का। तो क्या ये चुनाव भर ये चलेगा कि चुनाव के बाद भी ये आपकी चलता रहेगी? मतलब जो मैं तो 20 वर्ष से समाज के लिए, समाज के काम के लिए मैं दौड़ता रहता हूँ, लोगों का काम मैं करता रहता हूँ, जो भी मेरे लायक रहता है मैं करता हूँ, और मैं कोशिश मेरा भरपूर रहेगा, मैं करूँगा भी, चुनाव के बाद भी मैं जनता के बीच में रहूँगा, कभी जनता के बीच से हटूँगा नहीं। मेरे लायक मेरे नंबर पे जिसका भी फ़ोन आएगा उनके लिए मैं ज़रूर करूँगा और लगा रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, मैं तो यहीं का रहने वाला। क्या अपील करना चाहते हैं वहाँ के जनता से? क्या अपील करना चाहते हैं वहाँ के जनता से? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि भाईवाद में, वंशवाद में, जातवाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग हैं अभी तक ठगे गए हैं, उस ठगी से दूर रहने की ज़रूरत है। हमारा हाथ मजबूत होगा तो और इससे बेहतर मैं कर सकूँगा भविष्य में, और करूँगा भी। मैं ऐसे कुल खानदान से बिलोंग करता हूँ कि ऊपर वाले ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं दिया है, बस आपका सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो मैं निश्चित तौर पे सब कुछ अच्छे तरीके से करूँगा। टॉक टाइम्स न्यूज, सच का साथ, का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता है।